4 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र से नेट बैंकिंग के माध्यम से डॉक्टर अजहर अली के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 4,80,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद यूसुफ खान पुत्र स्वर्गीय केशर खान निवासी घासी कटरा थाना तिवारीपुर, अमितेश सिंह उर्फ निक्कू सिंह पुत्र स्वर्गीय विक्रम सिंह खान समुद्दीन अहमद पुत्र स्वर्गीय हसरत हुसैन शामिल हैं। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के फ्रॉड हैं। इन लोगों ने डॉक्टर अजहर का मोबाइल नंबर की जानकारी कर इन लोगों ने उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए की नेट बैंकिंग के माध्यम से रुपए निकाल लिए। उन्होंने बताया कि इनके पास से 4,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि इनमें एक बैंक कर्मचारी की भी भूमिका संदिग्ध है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। एक आदमी दाएं, एक आदमी बाएं। आप लोगों में अच्छा देखो ये जो साइबर क्राइम वाली तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही थी टेक्निकल इशू था। मोहम्मद यूसुफ और सनी ने उसको मतलब रिसीव कर लिया। ये मोहम्मद यूसुफ के बारे में अभी सर बता चुके हैं कि ये मतलब घासी कटरा का रहने वाला है। 2011 में जो लहसड़ी में लाश मिली थी, जो हत्या करके फेंकी गई थी, मतलब इम्तियाज अहमद की, उसमें ये 11 महीने जेल भी काट चुका है। उसी जेल काटने के दौरान इसकी मुलाकात हुई थी रवि सोलंकी से। रवि सोलंकी भी एक शातिर अपराधी रहा है, लुटेरा भी रहा है और इस प्रकार के साइबर अपराधों से पिछले 2 वर्षों से इसका नाम मतलब बराबर आता रहता है। साइबर फ्रॉड का मामला निकल के आया है जिसके अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद यूसुफ जो घासी कटरा के हैं, अमितेश सिंह जो कि जनपद बस्ती के रहने वाले, शमशुद्दीन अहमद जो कि रुद्रपुर थाना कोतवाली के रहने वाले। इसके अंदर एक व्यक्ति का नाम, 2 व्यक्तियों के नाम और प्रकाश में है जिसमें से एक की जानकारी प्राप्त हुई है रत्नाकर मिश्रा की, जो हम लोग को जानकारी है कि कुछ समय पूर्व उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने एक बहुत सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके एक व्यक्ति के खाते से जालसाजी करके हेराफेरी करके लगभग 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया और विभिन्न चैनल से यूज़ करते हुए उसके पैसे से विड्रॉ लगभग 8.5 लाख रुपए किया। इस घटना को जिन लोगों के द्वारा पिछले साल स्टार्ट किया गया था, जिस संदर्भ में थाना कोतवाली के अंदर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इस घटना का अनावरण किया गया, इन लोगों को रिमांड पे लेके और पूछताछ की जाएगी। हो सकता है इसी तरीके से और भी घटनाएं कर रहे हों और जो एक व्यक्ति शेष है उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। लगभग 4.25 लाख रुपए का रिकवरी हम लोग के द्वारा इस केस में की गई। इसके अंदर जो अभी तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, सबसे पहले इन्होंने धोखे से एटीएम प्राप्त किया। एटीएम प्राप्त करके इन्होंने बैंक से किसी माध्यम से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस खाते के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसकी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद एक फर्जी खाता चालू कराया, उस खाते से इंटरनेट बैंकिंग करी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें चेंज करके दूसरे मोबाइल से खाता रजिस्टर्ड कराया और इस तरीके से जो वादी है उसके खातों से लगभग 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कराया। उस पैसे को एक जगह ट्रांसफ़र कराया, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराया और जो हम लोग की अभी तक विवेचना है उसमें से तीसरी जगह फिर गलत तरीके से एक डीडी निकाल के एक अकाउंट से लगभग 8.5 लाख रुपए का ट्रांसफ़र कराया। इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि अभी इसमें एक व्यक्ति और शेष रह गया है और उससे भी और पूछताछ की जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस इनके द्वारा एक तरीके से किया गया। इस पूरी घटना के अंदर वादी को सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त हुई थी कि मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ जिस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत हुआ, उसको इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं हो पाई कि इस तरीके से उन्होंने उसके जो अधिकृत मोबाइल नंबर है उसको भी प्राप्त कर लिया है और इस तरीके से उस पर इंटरनेट बैंकिंग भी चालू कर दिया। इसके अंदर ये चीज़ विवेचना में आई है
कि जो गोपनीय नंबर जो रहता है जिसके ऊपर रजिस्टर्ड नंबर एटीएम मिलता है, वो सूचना जो इनके द्वारा इंटरोगेशन में बताया गया है कि बैंक के कर्मी द्वारा इनको उपलब्ध कराई गई। ये विवेचना का इशू है कि उनकी क्रिमिनलिटी का एंगल क्या है, यदि कोई व्यक्ति फर्दर उसके अंदर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाम के व्यक्ति की हत्या जनपद गोरखपुर में ही खोराबार में हुई थी, उस केस के अंदर जेल जा चुका है और जेल से छूट गया है।